ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार सज्जन वृंद, आज अध्याय आम आलोचना करवा श्रीकृष्ण द्वारा गोपी मान वस्त्रहरण। भगवान श्रीकृष्ण गोपी मान कहीं वस्त्रहरण करते कौन शिक्षा देवाई से वस्त्रहरण करते से विषय आज आम आलोचना करवा। भगवान श्रीकृष्ण को लीलामय कहा जाए, से लीला पुरुषोत्तम। विभिन्न विष्णु अवतार भगवान श्रीकृष्ण तांकर कृष्ण अवतार रे से अनेक लीला करिसंती। तांकर विभिन्न प्रकार अवतार मध्यरे तांकर कृष्ण लीलारे से विभिन्न असुर मानक निधन करिसंती। गोप बालक मानक सहित विभिन्न प्रकार से क्रीड़ा करिसंती। गोपी मानक सहित विभिन्न मध्य से रास क्रीड़ा करिसंती। से मानक मध्य हैरान मध्य करिसंती। एभलि गोपी मानक सहित एवं अन्न मानक सहित एवं असुर मानकर जो से मानक वध कर से मानक मोक्ष प्राप्त कराइचंती। ये हेले भगवान श्रीकृष्ण एवं ये जो श्रीकृष्ण से गोपी मानक वस्त्रहरण करते से हईराण करते एक प्रकार से शिक्षा देवाई। जिते बड़े गोपी मैंने यमुना नदी में स्नान करुले प्रातः काल से यमुना नदी में स्नान कले से उल्लग्न अवस्था तांकर वस्त्र को से यमुना नदी कूल रखिदे से समस्त गोपी से उल्लग्न अवस्था से यमुना नदी में स्नान करने रे तो ये स्नान करने समय भगवान श्रीकृष्ण अकस्मात सेठार जा पहुँचीगले एवं कदम्ब मूलरे कदम्ब वृक्षर से बस लगे। कदम्ब वृक्षर बस भगवान श्रीकृष्ण कौन कले ना पवन देवता निर्देश दे गोपी मान वस्त्र को उड़े आई। पवन देवता श्रीकृष्ण निर्देश अनुसार गोपी मान समस्त वस्त्र को आड़ को नहीं आसिले। भगवान श्रीकृष्ण से ही वस्त्र गुड़ी कदम्ब वृक्षर बांधिदे। जितेबाला गोपी मान स्नान सर से कूल को अनदेले जे देखिले से वस्त्र ना कुआड़े गला से वस्त्र से तेणु गोपी मैंने विचलित हो पड़े। उल्लग्न अवस्था से किभली भाव में यमुना नदी बाहर तेणु से किसी समय से जलबद्धर रहीपर से दृष्टि पड़ा जे कदम्ब वृक्ष मूल में बसी श्रीकृष्ण से मुरुकु मुरुकी हसुचंती। से देख से जो गोपी मैंने जो कृष्ण को विनम्र भाव में कहले वस्त्र को फेरेदे से श्रीकृष्ण कहले तुम मानक वस्त्र तो मुझे से कहले यो वस्त्र गुड़िकली भाव में कौटि बंधाई ना जदि तुम मानक वस्त्र तुम्हें जलर उठी आसी निज निजर वस्त्र को नहीं जाओ। से गोपी मैंने कहले जे आमको लज्जा लगभनि जे आम उल्लग्न अवस्था किभली भाव में उठी नदी जलर उठी मु वस्त्र नेबू तेणु आमको लज्जा लगे। से भगवान श्रीकृष्ण से कहले तुम्हें जिते बड़े नदी को जो यमुना नदी को स्नान करने को गल से तो तुम्हें उल्लग्न अवस्था जाते तुमको लज्जा लग ना से माने कहले से आमर एठार कहीं नथिले। जेतेबेले श्रीकृष्ण कहले जे तुम्हें माने किभली जानिलो जे सेतेबेले कहीं नथिले सेतेबेले आकाशरे पक्षी माने उड़ुथिले आ मु तो सर्वज्ञ मु तो सब स्थान रे विराजमान करे सेतेबेले मु कोन देखि नथिबी। तापर पक्षी माने आकाशरे जो पक्षी माने उड़ुचंती ए पक्षी माने तो निश्चित भाव रे तुम्हें माने जेतेबेले स्नान करथबो सेतेबेले से पक्षी माने थिले से माने निश्चित भाव रे तुमर ए जो उल्लग्न अवस्था को देखि दैथिबे। तापर तुम्हें माने जेते बड़े जल में पशिल ये जल में असंख्य जलचर जीव मैंने अच्छा से माने तुम ये उल्लग्न अवस्था को निश्चित भाव में देखिथे। तापर ये जलर देवता होती वरुण वरुण देवता निश्चित भाव में सेठे तुम मानक उल्लग्न अवस्था को निश्चित भाव में देखिथे। तापर आउ गोटे कथा हूँ जिते बड़े मनुष्य स्नान कै से स्नान जो तर जो वस्त्र आद्र वस्त्र जो झरुवा जल को पितृपुरुष मैंने ग्रहण करती तृप्त हमें तुम्हें जिते बड़े उल्लग्न अवस्था स्नान कल तुम मानक जो वस्त्र से पा झरला ना जहाँफल कि पितृपुरुष मैंने अतृप्त है से जल आशा करुले कि तुम्हें जिते बड़े उल्लग्न अवस्था स्नान करुच से जो पितृपुरुष मैंने से जल पाई ना जहाद्वारा कि यह जल जितेबले से नपे ताद्वारा कौन हम पितृपुरुष मैंने असंतुष्ट हैं जहाद्वारा मनुष्य तेज बल धन एवं सुख ये सब नष्ट हो जाए। तेणु यही भाव में जेपर्यंत मनुष्य मध्य लज्जारूपक आवरण व लज्जारूपक माया से मध्य रही थाए से पर्यंत से मुख पाई नए एवं लेस मात्र माया थे वैकुंठ प्राप्त असंभव। यही भाव में श्रीकृष्ण बुझेले कौन कहले तुम्हें ये सब कथा भूली जाए तुम्हें माने उठी आस पानी उठी आस उल्लग्न अवस्था एवं देवता प्रणाम कर तुम्हें मानकर निज निजर वस्त्र को नहीं जाओ। से गोपी मैंने किंग कर्तव्य विमूढ़ होगले से कौन कले ना गोटे हाथ देवता प्रणाम कले आकाशे सूर्य देवता प्रणाम कले आउ गोटे हाथ में निजर गुप्त अंग को से आवृत कर रखी पाड़ी उठिले। से भगवान श्रीकृष्ण कहले जे गोटे हाथ में
गुरु गुरुजन एवं देवता प्रणाम करवा ये शास्त्र विरोधी यह जो अन्याय तेणु गोटे हाथ में केवे देवता एवं गुरुजन को प्रणाम करा जाए ना तेणु जिते बड़े जो शास्त्र विरोधी कार्य से कौन कले गोपी मैंने कौन कले ना से उल्लग्न अवस्था दुई हाथ को टेकी देले दुई हाथ को टेकी संपूर्ण समर्पण मुद्रा से माने बाहरी आसिले एवं श्रीकृष्ण पाखे जिते बड़े आत्मसमर्पण कले से श्रीकृष्ण देखिले ये गोपी मैंने श्रीकृष्ण संपूर्ण भाव में परमात्मा परम ब्रह्म संपूर्ण भाव में समर्पित हो जाती जो लज्जा था जो लज्जा रूपक आवरण माया रूपक आवरण से माया रूपक आवरण संपूर्ण भाव में तिरोहित हो जाती तेणु सेमकर मसे व्यापी से कौन करते ना बालुका पूजा करते कात्यायनी पूजा करते श्रीकृष्ण को पति रूप से प्राप्त होगापी से अभिलाष से व्रत से उद्यापित है संपूर्ण होगला एवं से माने निजक श्रीकृष्ण पाखे समर्पण करदे निज निजर वस्त्र को नहींगले एवं श्रीकृष्ण से गोपी मान पर जो प्रतिश्रुति दे शारदीय पूर्णिमा रात्रि से सहित मिलन हो तेणु यही भाव में ये गोपी मान सहित भगवान श्रीकृष्ण शारदीय पूर्णिमा रात्रि से सहित रासक्रीड़ा करते यही जो गोपी मैने किए ना त्रेता युगर थे ये मुनि ऋषि मैंने जिते बड़े रामचंद्र को परम ब्रह्म रूप से जापारी थे से रामचंद्र को जिते बड़े अयोध्या को से फेरिले 14 वर्ष वनवास सारी से मुनि ऋषि मैंने रामचंद्र को आश्रम से रही गोटे रात्रि सेते बड़े भगवान श्रीराम कही जदि राति पाई जाए गोटे राति जदि रही जाए तो सेठे भरत से आत्मविसर्जन करदेव तेणु तुम मैंने अपेक्षा कर गोटे जुग तुम मानक अपेक्षा करने को पड़ो एवं गोटे जुग पर तुम मान सहित मुझ निश्चित भाव में रही तुम मान मनोवांछा निश्चित भाव में पूरण करी से तुम्हें यो मुनि ऋषि शरीर न रही तुम्हें मैंने मोर सानिध्य मानने भल भाव सानिध्य पाइबापी सेत तुम्हें मैंने नारी रूप हो गोटे जुग पर से जो मुनि ऋषि मैंने 16 सहस्र मुनि ऋषि मैंने से मैंने दापर जुगर यही भाव में गोपी रूप से जन्मग्रहण करते परम ब्रह्म श्रीकृष्ण सहित से भाव में विहार करते भगवान सान्निध्य से प्राप्त होते तेणु यही भाव में भगवान श्रीकृष्ण गोपी मान जो वस्त्र हरण उद्देश्य कौन थी कौन शिक्षा देवाई से वस्त्र हरण करते आपण मैंने शुणिले तेणु यही भिडियोटी निश्चित भाव में आपण मानक भल लगी भल लगी आपण मैंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदे आज रोचे ओम श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।